हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट streetfood.cafe से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जामनगर के बारे में। जामनगर गुजरात का एक शहर है। यह अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। जामनगर में आधुनिकता और प्राचीनता का समावेश देखा जा सकता है। जामनगर का निर्माण जाम साहेब ने 1540 ईस्वी में कराया था। अब यह गुजरात के जामनगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। बाल हनुमान मंदिर एक आकर्षक मंदिर होने के अलावा इस मंदिर को एक गौरवशाली स्थान हासिल है। 1 अगस्त 1964 में लगभग 48 साल पहले श्रद्धालुओं ने श्री राम जय राम जय जय राम का मंत्र का जाप 7 दिनों तक लगातार 24 घंटों के लिए किया था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। इस मंदिर में कोई भी भक्त स्वयं राम धुन भजन सभा में शामिल हो सकता है, जो जामनगर में के रणमल झील के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भुजियो कोठो यह पर्यटकों के देखने के लिए एक दिलचस्प स्थान है। लखौटा तालाब के तट पर बनी इस 5 मंजिला स्मारक का निर्माण हमले से सुरक्षित रहने के लिए किया जाता था। इस स्मारक की पहली मंजिल और उसकी दीवारों पर छेद किए गए हैं और प्रत्येक में राइफलें रखी गई हैं। इसकी ऊपरी मंजिल पर पानी संग्रहण के लिए एक टंकी बनाई गई है और कोठों की चोटी पर एक नाचते मोर की प्रतिमा स्थित है। यह संरचना शहर के विहंगम दृश्य का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है और जन सामान्य के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। त्रिक जैन मंदिर जामनगर में 3 महत्वपूर्ण जैन मंदिर हैं, जो कि 1574 और 1622 के दौरान बनाया गया था तथा देखने में काफ़ी दिलचस्प स्थान है ये। इन तीनों मंदिरों में से तीर्थकर शांतिनाथ को समर्पित रायसी शाह मंदिर आंतरिक और बाहरिक दोनों भागों पर हुए कठिन काम को दर्शाता है। मंदिर को गुंबद सोने की परत से सजाया गया है। यहाँ का द्वितीय मंदिर वर्धमान शाह मंदिर है। यह मंदिर तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है और वर्धमान शाह मंदिर की तुलना में एक सरल संरचना है। इस त्रिक जैन मंदिर का तीसरा मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन एक रोचक धार्मिक स्थल है। रतन भाई मस्जिद पुराने जामनगर शहर के बीचों बीच बनी एक बहुत ही लंबी सी संरचना रतन भाई मस्जिद है। चंदन के दरवाजे व सीपों से जड़े तथा 2 लंबे आकर्षक मीनार के साथ मस्जिद में निजी बारिश संयंत्र प्रणाली भी है। पानी की एक टंकी नमाज से पहले औपचारिक सफाई के लिए बनाई गई है। streetfood.cafe से आपकी होस्ट निशा पांडे।